गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय जीके क्लास। सभी बच्चे अपनी बुक निकालेंगे और चैप्टर 20 निकालेंगे। आज हम चैप्टर 20 करेंगे क्विज टाइम, पेज नंबर 25। सभी बच्चे पेंसिल रखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय फिलिंग द करेक्ट वर्ड। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको कुछ स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है फिलिंग द करेक्ट वर्ड से। द येलो पार्ट ऑफ एन एग इज कॉल्ड डैश। जो येलो पार्ट होता है एग का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं योक। तो यहाँ लिखेंगे सभी बच्चे YOLK, योक, ठीक है। सेकेंड इज मैटर जनरली एग्जिट्स इन थ्री फॉर्म्स, डैश, लिक्विड एंड गैस। देखो इसमें थ्री फॉर्म्स होती है, तो कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट इज थर्ड, द लाइट मेटल यूज टू मेक बॉडी ऑफ एन एरोप्लेन इज कॉल्ड। जो एरोप्लेन की जो बॉडी होती है लाइट मेटल की नहीं होती, वो किसकी होती है? वो होती है आपकी एल्यूमिनियम की। लिखेंगे यहाँ ALUMIN, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज वी कुड गेट मलेरिया इफ़ वी आर बीटन बाय अ फीमेल मॉस्किटो कॉल्ड एन। तो क्या बोलते हैं? एनोफेलिस। यहाँ लिखेंगे ANOPHEL, एनोफेलिस। फिफ्थ इज अवर अर्थ रोटेट फ्रॉम डैश टू ईस्ट। जो हमारी पृथ्वी है रोटेट करती है, कैसे करती है? वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज मोलर्स एंड प्री मोलर्स आर टाइप ऑफ। जो मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं ये हमारे किसके टाइप से? टीथ की। सेवन्थ इज इफ अ डॉग और मंकी बाइट अस वी मे गेट। जब कुत्ता या बिल्ली, सॉरी कुत्ता या मंकी, बंदर आपको काटता है, वी मे गेट, तो क्या करना चाहिए? तो कौन सा वो लगाना चाहिए? रेबीज, RABIES, रेबीज। एट इज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के जो बिल्कुल नियरेस्ट और क्लोजेस्ट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, वो कौन सा है आपका? वो है आपका मर्करी। लिखेंगे MERCURY, मर्करी, ठीक है। नाइन्थ इज मिलियंस ऑफ स्टार टुगेदर आर नोन एज। मिलियंस ऑफ स्टार एक साथ होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। टेंथ इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। नियरेस्ट स्टार है अर्थ के बिल्कुल, कौन सा है? वो है आपका सन। सन भी एक स्टार है। इलेवेंथ इज विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हॉटेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम में सबसे गर्म, सबसे गर्म जो होता है, जो प्लैनेट है वो कौन सा है? विनस। कौन सा है? विनस, VENUS, विनस। ट्वेल्थ इज पोजिशन ऑफ द डैश स्टार यूज टू फाइंड डायरेक्शन। जो पोजिशन होती है वो किसके थ्रू हमें डायरेक्शन का पता चलता है? नॉर्थ के। NORTH, नॉर्थ। थर्टीन एंड लास्ट, डैश आर द हेवनली बॉडीज इन द स्काई विच प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट। इसमें क्या आएगा? स्टार्स। स्टार्स, स्टार्स आर द हेवनली बॉडी। इनकी बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा हैवी होती है इन द स्काई, आसमान में, विच प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट, और वो अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। गुड टू नो द अर्थ एंड द सन बिलोंग टू द मिल्की वे गैलेक्सी। जो अर्थ और सन है वो कहाँ के बिलोंग करते हैं? किससे? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही आते हैं, ओके? सभी बच्चे ये बुक और अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। जय हिंद बच्चों।